नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आप तमाम लोगों के जो है काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि सर, SMS जॉब में कितनी अर्निंग होती है, क्या होता है, कैसे होता है। तो उसकी जानकारी लेकर के जो है आज इस वीडियो में आए हुए हैं। और पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आज ये समझ लो कि जो भी SMS जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, A to Z कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करना। अब लोग सोचते हैं 500 रुपये, ठीक है, कितना, 500 रुपये एक मैसेज का। एक मैसेज भेज दिया, 500 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे, पर कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी समझ लेना। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं SMS जॉब का, गूगल SMS ग्रुप में जिनका नंबर ऐड है, और जो लोग अभी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है भाई। दुनिया में पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी कैसे कमाते हैं, विराट कोहली एक ट्वीट कर दिया, लो भैया 16 करोड़ रुपए आ गए। एक ट्वीट कर दिया, अमिताभ बच्चन के पास 100 करोड़ आ गए। हमें 100 करोड़ कमाने के लिए तो 100 पीढ़ी निकल जाएगी, तब भी 100 करोड़ नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, ऐसे ही पैसे कमाते हैं, समझ रहे हो ना। तो वही फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। एक मैसेज भेज दिया तो 500 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। पर कैसे आते हैं, कब आते हैं, वो जरा समझ लो, ठीक है। पूरी जानकारी देखना, वीडियो बीच में स्किप मत करना। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर पहली बार कोई चैनल देख रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन चालू कर लेना। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, उनसे निवेदन है कि आप चेक कर लेना कि जो है आपके पास बेल आइकॉन वाली बटन चालू है कि नहीं। यहाँ पे जैसे आप जाते हैं तो ऑल लिखा रहता है, ठीक है। ऑल में ऐसी एक घंटी की बटन बनी रहती है, ठीक है। ये ऐसी एक घंटी की बटन बनी रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे पर्सनलाइज रहता है, ठीक है। यहाँ पे नन रहता है, तो ये सबसे ऊपर वाली चालू करना, ठीक है, जो ऑल लिखा हुआ है। चलिए, पेन पता नहीं यार क्यों नहीं चल रहा भैया, लगता है घर वाली जैसे पेन भी नाराज हो गया। अब नहीं चल रहा तो क्या करें, बताऊंगा इसी में से, ठीक है, जितना चल जाएगा। चलो थोड़ा बहुत वो तो मुंह से बोलेंगे तो आप लोग समझ जाना कैसे क्या है। देखो, SMS जॉब के लिए जो है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमने जैसे जिन लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, जिनको पहले बताया है, वो लोग भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, और जो नए लोग हैं वो तो समझ ही ले। SMS जॉब के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है। क्या करनी है, व्हाट्सएप पर जाएंगे, जब व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो ऊपर देखेंगे, जैसे मान लो ये आपका मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल में एक तीन ऐसे डॉट डॉट बने रहते हैं, तो यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन दिखेगा, ब्रॉडकास्ट, न्यू ब्रॉडकास्ट लिखा होगा, क्या लिखा होगा, न्यू ब्रॉडकास्ट। इस पे टच करेंगे न्यू ब्रॉडकास्ट पे, तो ऐसे आपके कॉन्टेक्ट नंबर दिखने लगेंगे, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो ये ऐसे ऐसे टिक करते जाएंगे तो यहाँ पे एक सही का निशान आता है, तो वो सही के निशान पे जो है आपने टिक किया तो ये पूरी जो है ब्रॉडकास्ट में आपके नंबर ऐड होते जाएंगे, ठीक है। एक ब्रॉडकास्ट के अंदर जो है 256 लोगों को ऐड करने का ऑप्शन होता है, कितना, 256, ठीक है। ये 256 लोगों में आप किसी को भी ऐड कर दीजिए, चाचा, काका, मामा, फूफा, किसी को भी हो। कंपनी को सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए इसका स्क्रीनशॉट चाहिए होता है। अब जब स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, जैसे ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, तो ये जहाँ पे ये 256 ऐसे दिखे, कितना दिखे, 256 जहाँ पे ये दिखे ऐसे, ठीक है, तो इसका जो है ये भेजना रहता है। इसका जो है ये जहाँ पे ये 256 ऐसे लिखा दिखेगा उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। क्या करना है, स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जो है आपको मिल जाएगा क्या, अप्रूवल, ठीक है। तो अप्रूवल मिलने का मतलब ये हुआ कि अब अगर आप कोई मैसेज भेजते हैं तो उसका आपको कंपनी पैसा देना चालू कर देगी, ठीक है। अब
इसमें कैसे अर्निंग होती है, क्या होती है वो समझ लेना, ठीक है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में बंद मत करना, अब फिर फोन मत करना आप लोग कि सर बताए नहीं, समझाए नहीं, ठीक है। सबके लिए बोल रहा हूँ, जितने भी लोग थे, जितने भी लोग SMS जो आपका पूछते रहते हैं। चलो ये मीटे उठेगा नहीं भैया, गया, ऐसे ही बोलूंगा मुझसे, समझ लेना। तो ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रकार के SMS ग्रुप होते हैं। पहला कौन सा होता है, गूगल, लिखते जाओ आप लोग चाहे तो कॉपी, जैसे जैसे वीडियो में बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ कॉपी में। एक एक होता है, एक गूगल, गूगल SMS, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस बोलते हैं। SMS का भी फुल फॉर्म नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो गूगल SMS ग्रुप, ठीक है, और दूसरा होता है पेड ग्रुप, PAID। दो प्रकार के ग्रुप में नंबर ऐड होता है, समझ गए ना। एक होता है पेड ग्रुप, एक होता है गूगल SMS ग्रुप। जिनकी ट्रेनिंग हुई थी ऑनलाइन उनको भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये पेड ग्रुप में क्या होता है, कंपनी का नंबर आता है। आप लोगों ने देखा होगा इस ग्रुप में ऐसे लोग ऐड होते हैं जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं वो कहाँ ऐड होते हैं, उनका नंबर इंडिया पेड ग्रुप में, ठीक है। इंडिया पेड ग्रुप में क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां हैं कहीं की भी जिनको जॉब चाहिए, तो जॉब वाले कंपनी का ही सीधे नंबर आता है, उसमें किसी कंसल्टेंसी क्या उसका नंबर तो आता नहीं है, ठीक है। तो ये जो पेड ग्रुप में, यहाँ पर तीन चीजें आती है, एक आता है ईमेल, दूसरा आता है कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम और पता, नाम और पता, और तीसरा आता है फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर, ठीक है। ऊपर आता है ईमेल, फिर उसके बाद आता है कंपनी का नाम और पता, और फिर आता है फोन नंबर। और किसी किसी मान लो केवल ईमेल रहेगा, या केवल फोन नंबर रहेगा, या केवल नाम और पता रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको हटा देनी है, क्या करनी है, हटा देनी है। जब आप कोई मैसेज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है मैसेज को। इसमें से जो है आपको ये तीनों नाम और नंबर और एड्रेस सब कुछ हटा देना है। इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, अपना अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, ठीक है। पेस्ट करने से पहले यहाँ से आप गए, ऐसे ये मैसेज होता है, यहाँ पे आपने टच किया ऐसे करके, तो कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद जब आप यहाँ पे फिर ऐसे टच करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, पेस्ट। तो पेस्ट के ऑप्शन के समय ये जब पेस्ट करेंगे ऐसे, पेस्ट करने से पहले जब आप इसको ओके नहीं करेंगे तभी यहाँ पे जो है एडिट करने का ऑप्शन आता है। तो एडिट करते समय जो है आपको ये नंबर चेंज करके अपना नंबर डाल देना है। कौन से वाले में, ध्यान रखना, पेड ग्रुप इंडिया, जो पेड ग्रुप इंडिया का मैसेज आता है उसमें, ठीक है। एक ये हो गई कहानी, ठीक है। अब दूसरा आते हैं गूगल SMS ग्रुप पे। गूगल SMS ग्रुप में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैसेज जैसा आया हुआ है वैसा का वैसा ही आपको कॉपी कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इतना आ गया समझ में सभी को, कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। ध्यान रखना गूगल SMS ग्रुप में कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है, ठीक है। अभी बोर्ड इतना खिचड़ पिचड़ हो गया है तो बात पे ज्यादा ध्यान देना, इस पे लिखा पढ़ी पे ध्यान मत देना, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो है भारत की लैंग्वेज लिखी हुई है या अफगानिस्तान की लिखी हुई है, उर्दू फारसी, ये देख लो सब खचड़ पचड़ हो गया है। तो गूगल SMS ग्रुप में क्या करना है कि आपको कोई भी जो है चेंजेस नहीं करना है, ना नंबर हटाना है, ना ईमेल, जैसा डला है वैसा का वैसा ही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बता रहा हूँ, ठीक है, ना तो आप लोग गूगल SMS ग्रुप वाले भी, ना तो आप लोग पूरा वीडियो देखते हो कोई, और ना दूसरों को, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लेना, जो गूगल SMS ग्रुप में जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो वीडियो शेयर करने वालों को होती है। किनको होती है, जो लोग वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है। अब वीडियो शेयर करने के सबसे ज्यादा पॉइंट्स क्यों बनते हैं उसका फिर कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। पर अभी यहाँ पे ये ध्यान दे लो, जितने वीडियो आते हैं चाहे आए चाहे नहीं आए, स्टाफ सोल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर के शेयर कीजिए। इतनी बात आ गई समझ में, दोनों कॉपी पेस्ट करना। अब आते हैं सीधे अर्निंग वाले पॉइंट पे, EARNING, जिसके लिए कि आप लोग काम करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो कितना होता है, 100 से लेकर के 200 रुपए, मिनिमम 100 रुपए है, ठीक है।
₹100 होता है गूगल SMS ग्रुप का रजिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है, कंपनी इसलिए लेती है कि कम से कम नहीं करो तो उसका नुकसान नहीं हो, और जो करेगा उसका तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, ये वन टाइम है, आपको हर महीने नहीं देना है, सिर्फ वन टाइम, किसके लिए? SMS ग्रुप में बने रहने के लिए। पेड ग्रुप वालों को तो हर महीना देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्निंग पे आते हैं। ठीक है, गूगल SMS ग्रुप जो होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, एक मैसेज का, अब वही 500 वाली बात आ गई। ठीक है, कि आप लोगों ने जैसा टाइटल में देखा कि साहब टाइटल में तो ₹500 लिखा हो, अब समझ लेना। ठीक है, आपने एक कॉमन लिस्ट बनाई, उसमें जो है आपने किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया कि कौन बंदा बंबई में है, कौन दिल्ली में है, कौन कहाँ है। ठीक है, कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब कंपनी अगर कोई मैसेज शेयर करवा रही तो उसके पीछे कुछ पर्पज होगा, कुछ उद्देश्य होगा, पर वहां पर कंपनी का पर्पज 100% सॉल्व नहीं होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैसेज आपके पास कैसे आएंगे, प्रमोशनल आते हैं या फिर जॉब वाले आते हैं। अब मान लीजिए वैकेंसी है भोपाल में, आपके ग्रुप में बंदा ऐड है बम्बई का, तो बम्बई वाला क्या भोपाल नौकरी करने आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, या आएगा भी तो पता नहीं कब आएगा, वैकेंसी हमें आज के आज फुल करनी है। ठीक है, मतलब कंपनी के पास जो कॉल गया वो कहाँ से गया? बम्बई से गया। ठीक है, तो जब बम्बई से कॉल जाएगा तो वो कंपनी के भी किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, आपने कॉमन लिस्ट तैयार कर दी, तो यहाँ पे कंपनी आपको कितना पे करती है? ₹2 per SMS। ठीक है, ये समझ में आया? कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ ये मैसेज उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ 1 सेकंड लगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दिन भर में मान लीजिए 100 SMS भेजे, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग हुई कितनी? ₹200। कितनी हुई? 100 मैसेज की ₹200। ठीक है, ₹2 per SMS के हिसाब से। अब इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं और मॉडिफाई कर लेते हैं अर्निंग वाले पॉइंट से। ठीक है, अब यही मान लीजिए आपके पास अकाउंटेंट की लिस्ट है, अकाउंटेंट हिंदी में लिख देते हैं, अकाउंटेंट। ठीक है, सिर्फ आपने अकाउंटेंट वालों की लिस्ट तैयार की है, मान लो अगर 256 लोग आपके पास नहीं भी ऐड है तो। ठीक है, सिर्फ अकाउंटेंट वाली लिस्ट है, मान लो आपके पास केवल 100 लोग ही ऐड है। कितने लोग ऐड है? केवल 100 लोग ऐड है। ठीक है, सिर्फ अकाउंटिंग के भोपाल, भोपाल के यानी एक सिटी, चाहे आप भोपाल में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो केवल दिल्ली, दिल्ली के आपके पास जब ये क्वेरी आती है, जब आपने मैसेज शेयर किया, इसमें चूंकि नंबर एडिट करके जब पेड ग्रुप से जो मैसेज आप कॉपी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है कि लोगों की इंक्वायरी आती है, चूंकि नंबर आपका डाला हुआ तो आपको फ़ोन लगाएंगे कि मैडम ये वैकेंसी आई थी, सर ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हो आप लोग। ठीक है, फिर बोलते हो सर पैसा कम आया, ये गलती नहीं करनी। अब ध्यान रखना, जब आप पेड ग्रुप से कोई वैकेंसी कॉपी पेस्ट करके और उसको आप अपना नंबर डाल करके, तो बंदा तो आपको ही फोन करेगा, लेकिन आपने देखा नहीं कि ये बंदा मेरी ब्रॉडकास्ट में, जो बंदा आपके पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होगा पहले से, उसका नंबर आपको मोबाइल में दिख जाएगा, डिस्प्ले होगा कि हाँ, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि शोभा शुक्ला, तो शोभा शुक्ला का नंबर तो दिख गया कि ये कैंडिडेट तो ऐड है लिस्ट में, उसको आप बताओ रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, यानी पेड ग्रुप में ऐड होने का। अब मान लो अननोन नंबर से फोन आ रहा है, तो आपने फट से क्या किया, बोले मेरे यहाँ तो पेड ग्रुप में जुड़ने का है और चार्ज लगता है, बंदे ने फट से आपको इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ सभी लोगों के लिए, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है इसका, इसको कभी भी फर्स्ट टाइम नया कॉल कोई भी आता है किसी का भी, कभी भी नहीं बोलना पेड ग्रुप का, ना रजिस्ट्रेशन का, ना कोई, उसको सिर्फ एक चीज बोलना, आप अपना रिज्यूम भेज दीजिए, हम आपको पूरी डिटेल जो है, एड्रेस, फोन नंबर, वैकेंसी, कौन कौन सी प्रोफाइल है, सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए दे रहे हैं। सिर्फ एक बात बोलना, ध्यान रखना, जिसको पैसा कमाना है तो। ठीक है, आपको सिर्फ क्या बोलना है कि आप अपना एड्रेस, फोन नंबर शेयर कर दीजिए, हम आपको पूरी डिटेल व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर हमने 3-4 वीडियो डाल रखे हैं, उनको गूगल SMS ग्रुप वालों को फिर से मैं दे दूंगा, तो वही वीडियो फिर शेयर कर देना कैंडिडेट को। आपको कुछ बोलना ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, कि पेड ग्रुप में ऐड हो जाओ, कि कुछ। देखो क्या है दुनिया में, जब इंसान को जरूरत होगी अपने से ढूंढ करके आ जाएगा। आपका काम केवल बताना है, कन्विंस
बहुत ज्यादा किसी को करने की जरूरत नहीं है, बंदा करेगा अपने मन का ही काम, आप चाहे अपना सर फोड़ के जो है परेशान हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब उसका आया तो सबसे पहले आपने उसको रिज्यूम बुलवाया, रिज्यूम के बाद उसको वीडियो शेयर किया और फट से ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। तो रिज्यूम के अंदर ध्यान रखना, रिज्यूम के अंदर लिखा होता है कि वो बंदा अकाउंटिंग का काम जानता है, या वो बंदा टेलीकॉलर का काम जानता है, या सेल्स मार्केटिंग का, या बैंक का। रिज्यूम में सबके एक्सपीरियंस लिखा होता है, लिखा होता है कि नहीं, लिखा होता है ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास दिन भर में 20 रिज्यूम आए, इतने आए 20। अब उसमें से 5 ऐसे हैं जो अकाउंटिंग के लिए हैं, 2 ऐसे हैं जो टेलीकॉलर के लिए हैं, 3 ऐसे हैं जो बैंकिंग के लिए हैं, 4 ऐसे हैं जो नर्सिंग स्टाफ के लिए हैं, ठीक है। इनकी हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट हमने तैयार कर रखी है कि भोपाल नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, भोपाल नर्सिंग स्टाफ। और देखा कि इसके रिज्यूम में नर्सिंग स्टाफ लिखा हुआ, तो फट से ये वाला नंबर इस लिस्ट में ऐड कर दिया। ये हमारी लिस्ट बढ़ती चली जाती है, ठीक है, 100 की हो गई, 200 की हो गई, 50 की हो गई। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फायदा ये होता है टेक्निकल प्रोफाइल में कि अगर सिंगल भी किसी की ब्रॉडकास्ट मतलब बनी हुई है, और उस ब्रॉडकास्ट में अगर 100 कैंडिडेट भी ऐड हैं मिनिमम, ठीक है, या 50 कैंडिडेट, कुछ में 50 का क्राइटेरिया है, कुछ में 100 का क्राइटेरिया, जैसे अकाउंटिंग वगैरह में 50 का ही है, ठीक है, पर अकाउंटिंग की जगह अगर आप नर्सिंग स्टाफ में चले जाएंगे तो इसमें 100 का है, ठीक है, पर मिनिमम 50, मैक्सिमम 100, ठीक है। 50 से 100 की भी अगर सिंगल ब्रॉडकास्ट आपके पास तैयार है, तो यहाँ पे आपको यही जो कॉमन मैसेज का 2 रुपए मिल रहा था, यही पैसा बढ़ करके कितना हो जाता है, 10 से 20 रुपए। समझ लेना पूरी बात, यही मैसेज जो आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे थे पर मैसेज 2 रुपए, यहाँ पे वो बढ़ करके 10 से 20 रुपए हो चुका है, ठीक है। अब ये 10 से 20 रुपए हो गया। अब मान लीजिए ये ब्रॉडकास्ट में पूरा 256 लोग ऐड हो गए अकाउंटिंग वाले में, कितने, 256। तो ये जो आपको यहाँ पे 10 से 20 रुपए मिल रहा था और अकाउंटिंग वाले में, ये कितना हो जाता है यहाँ पे बढ़ करके, 50 रुपए, कितना हो गया, 50 रुपए, ठीक है। अब मान लीजिए यही लिस्ट जो है आपने अभी अकाउंटिंग की बनाई है, अब यही लिस्ट जो है अगर आपने MD डॉक्टर्स की तैयार कर ली, MD डॉक्टर्स, ठीक है, सिर्फ जिसमें भोपाल भोपाल के डॉक्टर्स ऐड है, ठीक है, या फिर मान लीजिए एकदम एक्सपीरियंस वाले सिविल इंजीनियर्स की आपने, ठीक है, या मैकेनिकल इंजीनियर्स की, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी जितनी बड़ी जितनी टेक्निकल प्रोफाइल है उसकी अगर आपने एक एक सिटी की, जैसे मान लीजिए 50 लोगों की लिस्ट बना ली, ठीक है, या 100 लोगों की लिस्ट बना ली, तो यही जो आपको यहाँ पे 50 रुपए मिल रहा था, वही मैसेज आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 500 रुपए, 500 रुपए, ठीक है। आ गया 500 वाला फॉर्मूला समझ में, जिसको नहीं समझ में आया होगा तो पूरा वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। एक मैसेज का कितना हो गया, ये जो आप यहाँ पे 2 रुपए में अटके हुए थे, तो यही मैसेज का आपको कितना मिल गया, 500 रुपए। पर अब भैया एक एक दिन में सोचो कि एक ही दिन में लिस्ट बन जाए एक ही दिन में, तो एक ही दिन में संभव नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अब जैसे हम एक मैसेज कॉपी पेस्ट करते हैं तो कम से कम 2000 रुपया मिलता है, कितना, 2000। अगर मैं दिन भर कुछ काम ना करूं, सिर्फ एक मैसेज कॉपी पेस्ट कर दूं, 1 सेकंड केवल काम कर लूं, 2000 रुपए कमा लिया, 50000 रुपए महीना कमा लिया, क्या करूंगा। आप मान लो 10000 15000 कमाते हो या नौकरी के लिए, तो कितने 8 घंटे मेहनत करते हो ना, ठीक है। मुझे कितना करना है, सिर्फ 1 सेकंड, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से खर्चा भी रहता है, ऐसा नहीं कि 50000 कमाता हूँ सब अपने पास ही रख लेता हूँ, सबको देता हूँ, समाज सेवा, ये जो सोशल वर्क, वृक्षारोपण और फलाना ढिमका करता हूँ, सब इसी कमाई से ही करता हूँ, ठीक है। गोवा मुंबई फ्लाइट से जब जाता हूँ तो इसी पैसे से ही जाता हूँ, अलग से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। यूट्यूब से थोड़ा बहुत जो अर्निंग होती है हो जाती है, यूट्यूब से थोड़ा बहुत तो नहीं होती, अच्छी खासी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप लोग भी बना लो चाहो तो, ठीक है। पर ये 500 रुपए वाला हमने आपको क्लियर कर दिया। एक दिन में नहीं होगा कि आज रात को पेड़ लगा और सुबह बोलो कि साहब फल नहीं लगा, तो अगर किसी को बोलो मान लो
रात को पेड़ लगाए, और आप उसको बोलो कहना साहब एक काम करो ये 10 करोड़ आप ले लो ठीक है, और जो है इसमें सुबह फल लग जाए, ऐसा कुछ कर दो, ऐसा इंजेक्शन लगा दो, ऐसा। तो ऐसा कोई जादुई चीज नहीं होती है कभी भी दुनिया में। हर सक्सेस के पीछे जो है उसकी मेहनत होती है, उसका स्ट्रगल होता है, संघर्ष करना पड़ता है। अमिताभ बच्चन ऐसे ही अमिताभ बच्चन नहीं बन गया, ना अंबानी ऐसे ही अंबानी बन गया, ना मोदी जी ऐसे ही मोदी जी बन गए, ठीक है। सबने संघर्ष किया है यार, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, तब जा करके जो है वो उस पद पर उस पोस्ट पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये हो गई आपकी जो है फर्स्ट ट्रिक, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला समझो, ठीक है। ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले का बता दिया, ठीक है, कि ये सिर्फ आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया मैं से। उसमें से आपने जो है 500 रुपये, अगर दिन में 5 मैसेज कॉपी पेस्ट कर दिए तो 2500 रुपये आप कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जब आप कमाना चाहेंगे तब, नहीं तो वीडियो देख लिया फिर सो गए फिर भूल गए, फिर वही 3 महीने बाद सर वो जॉब बता दीजिए, सर 6000 वाली ही बता दीजिए, बहुत परेशान हूँ सर, पैसा नहीं है सर, मम्मी पापा भी नहीं देते सर, जो है भैया भी नहीं देते सर, सर प्लीज़ कहीं सर जॉब बता दीजिए, 8000 की बता दीजिए, 9000 की, वही कहानी रह जाएगी जो अभी 10 साल से चली आई है, ठीक है। जिसको करना हो तो करो, ठीक है, वो मन लगा के करो, तो फिर एक दिन, एक ना एक दिन सक्सेस हो जाओगे। चलो अब आते हैं दूसरे वाली ट्रिक पे, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट ट्रिक, ये गूगल SMS ग्रुप वालों के लिए थी, ठीक है। अब जो मान लो ये गूगल SMS ग्रुप से यानी कमाई होगी है सबके लिए, गूगल SMS वालों पे जो गूगल SMS में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, पेड ग्रुप, PAID यानी पेड ग्रुप इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये मैसेज तो आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गूगल SMS ग्रुप वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ध्यान रखना गूगल SMS ग्रुप वाले में, ठीक है। अब आता है पेड ग्रुप वाले में, पेड ग्रुप में दिन भर में मान लो 10 मैसेज आए, 10 के 10 मैसेज में आपने अपना नंबर चेंज किया जैसा हमने बताया था, ठीक है। जब नंबर चेंज करोगे तो आपके पास इंक्वायरी आएगी, आपके पास जैसे इंक्वायरी आए तो गलती मत करना, फिर बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम कोई बंदा फोन कर रहा है तो उसको कुछ नहीं बोलना, इसको सिर्फ इतना बोलना कि आप अपना रिज्यूम भेज दीजिए, बायोडाटा भेज दीजिए, हम आपको पूरी वैकेंसी की जानकारी व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं, वहीं पे बात खत्म हो जाती है, आपको जैसी जॉब चाहिए जितने की चाहिए जिस एरिया में चाहिए सब मिल जाएंगी, हम पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, यहीं पर बात क्लोज कर देना, नहीं जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे SMS जॉब में, ये ध्यान रखना, 2 रुपए ही कमाते रह जाओगे एक SMS का, ठीक है। 2 रुपए से हमारे जैसे पहुंचना है 5000 रुपए, 2500 रुपए पर SMS, 2000 रुपए पर SMS तक, तो यही करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बंदे का रिज्यूम आ गया आपके पास, ध्यान रखना कि जिसका फर्स्ट टाइम आपको फोन आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका नंबर ब्रॉडकास्ट में ऐड है, आपको नंबर अपने मोबाइल में सेव दिख रहा है, तो उसको सीधे बोलो कि भैया हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसमें रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है, अगर मेरे बिना सपोर्ट के मुझे कहीं बातचीत करने की जरूरत नहीं लग रही है तो आप अपना कमीशन काट लो 50%, कोई दिक्कत नहीं है, और पैसा भी अपने पास ही बुलवाना, हमारे पास बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप काट लो, बंदे का स्क्रीनशॉट और उसका कॉन्टेक्ट नंबर सीधे व्हाट्सअप करो, पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मान लो हमारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो बस इतना कंफर्म कर लो आप कैंडिडेट से कि भैया क्या आप जुड़वा पाओगे, हम अपने सर से या अपने जो बॉस है या जो हमारे सीनियर है उनसे हम आपकी बात करवाए दे रहे हैं, लेकिन मेरा नंबर नहीं देना कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि नंबर हज़ारों लोगों में फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, ठीक है, कई बार। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने कुछ नहीं किया, बंदे से केवल कंफर्मेशन ली कि भैया आप करवा पाओ तो फिर हम अपने सीनियर से बात करवाएं, और कब करवा पाओगे ये भी कंफर्म, ये नहीं कि हम पागलों जैसे आधे घंटे बक बक करें फिर वो बोला ठीक है सर मैं सोच के बताऊंगा, तो कहना पहले सोच लो वो कर लो और अपने अकाउंट में 100 रुपये का बजट बना लो, ठीक है, जब हो जाए तब फिर हमसे बात करवा देना, ठीक है। मतलब उसको हमको एक्सप्लेन करने का और कन्विंस करने के सफाई देने का टाइम नहीं है कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बोले कि ये ऐसा है वैसा है ये हो जाता है वो हो जाता है, उन सबसे कोई मतलब नहीं, कहना हाँ सब बेकार है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है किसी को कन्विंस करने का एक्सप्लेन करने का, ठीक है, जो है सो है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो अगर बंदा रजिस्ट्रेशन लेता है तो अगर खुद से करवा रहा हो तो 50% काट लो, अगर हमारे थ्रू कन्वेंस हो रहा है तो भी आपको यहाँ से 15 से 25% के बीच का कमीशन जो है हम देंगे, ठीक है। अगर मतलब ऐसा नहीं, हाँ आपने हमारी बात करवाई लेकिन रेफरेंस आप ले करके आए, ठीक है, मेहनत हमने की, बंदा कन्वर्ट हुआ
और हमसे बात करवा दोगे तब तो एकदम 101% हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमसे अगर बात हो गई बंदे की तब तो 101% रजिस्ट्रेशन करवाएगा ही करवाएगा, 100 में एकाद जिसकी बहुत ही किस्मत फूटी हो तो बात अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैकेंसी तो सारी ओरिजिनल देते हैं, कोई हम गलत काम तो करते नहीं है कि एयरपोर्ट वाली पेपर जैसे वैकेंसी डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये SMS के अलावा जो कमाई हुई वो 15 से 25%, 15 से 50% मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्ट कोई वो कर रहा है विदाउट हमारे सपोर्ट तो आप 50% रखो। ठीक है, ये 15 से 50% की एडिशनल कमाई हो गई। ठीक, अब समझो, मान लो कोई बंदा आपके पास ऐसा आता है जो बोलता है सर मेरे पास बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन करवाने के पैसे नहीं है और मेरे पास पेड ग्रुप ज्वाइन करने का पैसा भी नहीं है, लेकिन सामने वाला कैंडिडेट अपने से ऑफर करता है आपको कि सर आप या सर या मैडम आप मेरी जॉब लगवा दीजिए या मुझे बता दीजिए कहाँ जाना है, मैं खुद चला जाऊँगा, इंटरव्यू भी निकाल लूँगा, सब कर लूँगा, आप बस एड्रेस फोन नंबर दे दीजिए। जो ये गूगल SMS ग्रुप में आपके पास, पेड ग्रुप वाले नहीं देना, ध्यान रखना, जो गूगल SMS ग्रुप में आपके पास एड्रेस फोन नंबर आया हुआ है उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी उस दिन आपके पास अवेलेबल है या 2-4 दिन पहले की भी अवेलेबल है वो एड्रेस फोन नंबर आप बंदे को शेयर कीजिए और उसका नोट कर लो आप अपने पास कि भैया हम आपको एड्रेस फोन नंबर दिए दे रहे हैं, आप ईमानदारी से जो है जो भी आपकी स्वेच्छा हो 1,000, 2,000, 5,000 रुपए, जैसे मान लो 10,000 की आपने जॉब दे दी, उसका भला भी हो गया, आपका गुण भी गाएगा, यश गान भी करेगा, धन्यवाद भी बोलेगा, हाथ पैर भी जोड़ेगा, और आपको जो है मान लो जिस दिन सैलरी आए आप 2,000 से 3,000 रुपए, क्योंकि देखो सभी लोग 15 दिन का चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर जो है मान लो ठीक है आप थोड़ा कम भी कितने की 8 से 10 हज़ार से जॉब तो कोई नीचे करेगा नहीं, 8-10 हज़ार के नीचे, तो आप 2,000 रुपए भी अगर आपको ले लेते हो कैंडिडेट से तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लगे तो थोड़ा बहुत हमको भी दे देना, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा आप लोग रखो हमारे नाम से, कमाओ खाओ मजे करो। ठीक है, अगर 2,000 रुपए भी आप ले रहे हो तो उसका भला भी हो गया, धन्यवाद भी कर रहा है, और ध्यान रखना ये जो है आपने यहाँ पे केवल क्या किया है, सिर्फ कैंडिडेट को एड्रेस फोन नंबर शेयर किया है, इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने ये एड्रेस उठाया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ध्यान रखना एक चीज और, ध्यान रखना कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट, फिर से बता रहा हूँ सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये जो बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम किसी का कॉल आता है तो आपको बंदे से पेड ग्रुप ज्वाइन करने की बात नहीं करनी है, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिज्यूम आए और जब उस बंदे को आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दें उसके बाद उसको पेड ग्रुप का बताना। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपने कर लिया तो आप सक्सेस रहेंगे। अब लगे हाथ चलो वीडियो का भी बता दे रहा हूँ, वीडियो में क्या होता है, एक वीडियो शेयर करने का आपका 1 रुपये बनता है, कितना बनता है 1 रुपये सिर्फ शेयर करने का, लेकिन यहाँ पे अर्निंग जैसे कैसे ज्यादा होती है, YouTube से क्या होता है कि YouTube वाले जो है कंपनी को हमेशा पैसा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पैसा कंपनी का आता है उसमें 50% कमीशन किसको जाता है, जिसके शेयर से, लेकिन वो सब पता। अब इसमें एक सवाल आएगा कि सर ये कैसे पता चलेगा कि हमने शेयर किया हमारे उससे, तो उसकी चिंता नहीं करना, उसके लिए सब समाधान कंपनी के पास होता है। ठीक है, आपको आएगा जब आपके पास पैसा आने लगेगा तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ मैंने शेयर किया था और उसका प्रॉफिट आया। ठीक है, यहाँ पे इनकम आती है डॉलर में, काहे में डॉलर में। ठीक है, यानी कि जैसे 1,000 व्यूज हुए, ठीक है, किसी वीडियो के, तो उसके आते हैं करीब $1, यानी 70 रुपए मान लो, $1 यानी करीब 70 रुपए, यानी 10,000 व्यूज के करीब कितने आए, तो 700 रुपए आए, तो 700 रुपए में 350 रुपए आपको मिलता है और 350 रुपए जो है स्टाफ सोल्यूशन के पास रहता है। ठीक है, अभी देख लो, ये ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने लिख दिया हो मेरी जगह। ठीक है, कांग्रेस पार्टी वालों की राइटिंग होती है, वही दिन भर मोदी कोसते रहते हैं कि ऐसा ऐसा है, कि कितना अच्छा काम कर ले वो हमेशा यही बोलेंगे कि नहीं अच्छा, जो भैया अच्छा काम कर रहा है तो सपोर्ट करो ना, जो गलत करता है उसका विरोध करो। ठीक है, खैर ठीक है, मान लो इसमें जो है अभी हमारी मैडम आ जाएंगी कल मायके से, आने ही वाली है, तो मैडम आ जाएंगी तो देखेंगी कि उनको लगेगा कि बस हमने वो कर लिया था, तो ये सब चिड्डा गुड्डा हिंदी अंग्रेजी कुछ समझ में नहीं आई कि कौन सा, बस पहले आएगी तो उसी पर डाउट, सीधे साधे आदमी है यार,
अब फिर भी डाउट करते हैं, अब क्या करें, महिलाओं की आदत होती है, शक करना बीवियों का काम ही है। खैर ठीक हो गया, उनके सामने तो इतनी नहीं बोल सकते कि ऐसा शक करने वाली बात, लेकिन ठीक है। लेकिन एक बात और है, वो तो अच्छा हुआ भाई पहले शादी कर लिए थे, अभी की डेट में तो शादी भी नहीं होती यार। मैं यही सबसे इधर समाज सेवा करता, अब क्या बताएं, समाज सेवा करता तो कोई भी लड़की वाला देखने आता तो बोल देता भैया लड़का तो जो है क्या बोलते बोल देता पागल है, कुछ करता ही नहीं है तो कौन शादी करता। खैर ठीक है, वो तो हो गई 10 साल पहले, तो ठीक है, बाल गोपाल की सब कृपा है, भगवान बुद्ध की, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम तो गई है मायके, कल आ जाएंगी, ठीक है। तो खैर चलो अब टॉपिक पे लौटते हैं। तो ये जो है ये हमने आपको बता दिया कहाँ पर थे जो भी, तो ये पूरी जो है SMS जॉब की आपको ट्रिक बता दिए हैं कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब जो इसका अगला वीडियो डालूंगा, ठीक है, वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग से संबंधित होगा, ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग से संबंधित, ठीक है। तो वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाले भी सभी लोग देख लेना कि कैसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसका जो है उद्देश्य क्या होता है, किस तरीके से। तो वो वीडियो आप लोग अपने कैंडिडेट्स को भी दिखाना, फिर आप लोग फोन करते हो कि वो सर डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दीजिए, एक कैंडिडेट है हमारे पास बैंक में, स्टेट बैंक में बोल रहा है डायरेक्ट ज्वाइनिंग का, ठीक है। तो ये वो वाला वीडियो सभी लोग जरूर देख लेना, जितने भी SMS ग्रुप वाले हो, ठीक है, सभी लोग देख लेना और पूरा ध्यान से देख लेना, ठीक है, एकदम याद से देखना इसके जो अगला वीडियो आएगा डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाला, क्योंकि इसी तरीके से उसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मतलब ही कुछ और निकाल लेते हैं। तो वो जो है वो जानकारी आप लोग बहुत ध्यान से देख लेना, और इंटर्नशिप का भी वीडियो डालने वाला हूं, ठीक है, जो लोग ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कमेंट्स करते रहते हैं वो भी डालने वाला हूं, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग अपने कैंडिडेट्स को अपने अपने ब्रॉडकास्ट में एकदम याद से कॉपी पेस्ट कर देना, भैया हाथ जोड़ रहे हैं सबके, ठीक है, नहीं तो मत बोलना, आप अपना भी नुकसान कर ले तो हमारा भी। अब यहाँ पे एक फार्मूला और समझ लो, दुनिया का बहुत बड़ा फार्मूला बता रहा हूँ, क्या होता है, जैसे मान लो पतंजलि स्टोर है, ठीक है, अब पतंजलि वाले ने दवाई बनाई बाबा रामदेव ने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाबा रामदेव जो प्रचार करता है पतंजलि का, ठीक है, तो वो अपना ही वीडियो उसी का वीडियो लोग फॉरवर्ड करते हैं कि बाबा राम, क्यों, क्योंकि उसका एक फेस बन चुका है, उसका एक चेहरा बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप खुद कोई बात बोलेंगे किसी कैंडिडेट को, हो सकता है वो मानने को तैयार नहीं हो, कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है, लेकिन जब उसे आप हमारा वीडियो शेयर कर देंगे, उसे वीडियो दिखा देंगे, तो बंदा एकदम कन्वेंस हो जाएगा 100%। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला, आपको लगा सर का कुछ एडिशनल प्रॉफिट हो गया, सर का बड़ा फायदा हो गया, भैया जैसे मान लो बाबा रामदेव ने दवाई बनाई, ठीक है, अब वो जब किसी को खरीदना होगा तो क्या डायरेक्ट बाबा रामदेव को फोन लगाएगा, पतंजलि के स्टोर से ही ना खरीदेगा, तो पतंजलि के स्टोर वाले का क्या 15-20% प्रॉफिट नहीं होता है उसमें, होता है ना। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वो आ रहा है तो इसमें अर्निंग का जो हिस्सा है आपके माध्यम से आया, तो पैसा तो आपको भी मिल रहा है ना, लेकिन आप कन्वेंस नहीं कर पाते हो, आप उसको समझा नहीं पाते हो, इसलिए बता रहे हैं कि जब वीडियो आप शेयर करोगे हमारा तो देखेगा तो ऑटोमेटिक यार फोन करके परेशान करेगा आपको, हाथ पैर जोड़ेगा, मैडम सर प्लीज मेरे को ग्रुप में ज्वाइन करवा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, प्रभु आपके पैर पड़े, क्यों, क्योंकि ये कन्वेंसिंग प्रोडक्ट है ही नहीं, घर तो बेचना नहीं, यहाँ पे बंदे को जरूरत है यार नौकरी की, ओरिजिनल में जरूरत है, हकीकत में जरूरत है, और सरकार दे नहीं रही है, स्टाफ सोल्यूशन वाले ही देते हैं आज तक जो है, सरकार देती है लेकिन ये बीच में जो IAS लॉबी होती है ना, ये जो बाबू लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, सब नौकरी पैसा खा जाते हैं, समझ गए। तो आपके हाथ पैर भी जोड़ेगा, सब करेगा, ठीक है, इसलिए आप लोगों से सभी से निवेदन है कि ये जो है जो भी हम वीडियो डालें उसको शेयर कर दिया करना। इसके बाद दो महत्वपूर्ण वीडियो डालने वाला हूँ, कौन कौन से, एक डालने वाला हूँ डायरेक्ट ज्वाइनिंग का और दूसरा जो है सर्टिफिकेट कोर्स का, ठीक है। तो अपने अपने ब्रॉडकास्ट में सभी लोग कॉपी पेस्ट कर देना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि फोन पर हर किसी को समझा पाना संभव नहीं होता है,
वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि जैसे मान लो मीटिंग में बताएंगे या वैसे बताएंगे, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो लोग उस समय मीटिंग में थे या जिन्होंने फोन पर बात की। अब मान लो ऐसे वीडियो डाल दिए तो इससे क्या है, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग देख सकते हैं और सबको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद भी नहीं समझ में आए, अब एक एक को फोन पर समझाएं, आपको अलग समझाएं, फिर उनको अलग समझाएं, तो इसमें क्या है कि बड़ा वो हो जाता है। ठीक है, वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि सबके पास जानकारी पहुंचे, इकट्ठा पहुंचे, बल्क में पहुंचे और लाखों लोग इसका जो है फायदा ले सके। और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत किए हैं यार, तो कम से कम आप लोग भैया लाइक कर देना, 20-25 लोग हो तो 20-25 ही लोग कर देना, उसी में शुक्रगुजार हो जाऊंगा। अब नहीं करोगे तो अब क्या बोलिए, ठीक है, कर दोगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है, नहीं करोगे तो फिर अब आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो धन्यवाद, अब जा रहा हूँ, चाय पियेंगे कहीं, क्या करें, ठीक है, चलो शुक्रिया, हाओ।